हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप इंडिया में रहते हैं और आप यूएसए में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनकी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूएस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम अपना पैसा फेसबुक में लगाएं, गूगल में लगाए हैं, नेटफ्लिक्स में लगाए हैं, यूट्यूब में लगाए हैं, ऐसी जगहों पर अपना पैसा लगाएं, लेकिन हम नहीं लगा पाते क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि यूएस में किस तरीके से इन्वेस्ट किया जा सकता है। हमें लगता है शायद बहुत मुश्किल होगा, शायद बहुत पैसा लगाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यूएस में पैसा लगाने का सबसे बड़ा फायदा क्या है। यूएस जैसे कि हम सब जानते हैं, ऐसी कंपनीज का हब है जो कि पूरे वर्ल्ड की मार्केट लीडर्स हैं। यानी कि जितना फेसबुक बढ़ती है एक साल में, जितना नेटफ्लिक्स बढ़ता है एक साल में, जितना यूट्यूब बढ़ता है एक साल में, उतनी कोई भी कंपनी नहीं बढ़ती। दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह है दोस्तों कि जब हम यूएस की मार्केट में पैसा लगाते हैं तो वो मार्केट कम वोलेटाइल है। यानी कि इंडिया की अगर आप मार्केट देखेंगे या कोई भी डेवलपिंग कंट्री की मार्केट देखेंगे, स्टॉक एक्सचेंज देखेंगे, तो बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन यूएस का जो एक्सचेंज है वो बिल्कुल मैच्योर एक्सचेंज है, वो बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन बिल्कुल स्टडीली बढ़ता रहता है। यानी कि आपको पता है कि आपका हर साल पैसा 7-10% के आसपास बढ़ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने वाली है अगर आप अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये बहुत बड़ा फायदा है यूएस की मार्केट में पैसा लगाने का। लेकिन दोस्तों, हम पैसा लगाएं कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए दोस्तों, सिंपल तरीके से अगर मैं आपको बताऊं तो दो तरीके हैं पैसा लगाने का। पहला डायरेक्ट तरीका, दूसरा इनडायरेक्ट तरीका। डायरेक्ट तरीका मतलब ये कि जाइए यूएस के स्टॉक एक्सचेंज में डायरेक्ट पैसा लगा दीजिए, यानी कि उनके कोई भी शेयर को पकड़िए, मान लीजिए फेसबुक को, यूट्यूब को, और उस पर पैसा लगा दीजिए। लगाने के लिए क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारे जो हैं ब्रोकर्स हैं, जैसे मान लीजिए शेर खान है, ज़ीरोधा है, वैसे यूएस में भी बहुत सारे ब्रोकर्स हैं। आप जा सकते हैं, उन ब्रोकर्स के साथ अकाउंट बना सकते हैं, अकाउंट बनाने के बाद डायरेक्टली वहां के स्टॉक्स में पैसा लगा सकते हैं। मैं वीडियो में आगे आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन कौन से ब्रोकर्स हैं जहां पे आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं और डायरेक्टली यूएस के किसी भी शेयर को खरीद बेच सकते हैं। ये डायरेक्ट तरीका है। लेकिन दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोगों को इतनी मेहनत करने का मन नहीं होता, बहुत सारे लोगों को इतना पता नहीं होता कि मार्केट में कौन सा शेयर बढ़िया है, कौन सा बढ़ेगा, कौन सा नहीं घटेगा, कौन सा क्या होगा, तो हम बहुत सारे लोग हम में से म्यूचुअल फंड्स के थ्रू पैसा लगाना पसंद करते हैं। हम दोस्तों म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी यूएस में पैसा लगा सकते हैं। अगर हम म्यूचुअल फंड्स के थ्रू पैसा लगाते हैं तो इसको इनडायरेक्ट तरीका बोलते हैं। देखिए दोस्तों, इनडायरेक्ट तरीके में भी एक्चुअली दो तरीके हैं, एक है एक्टिव, एक है पैसिव। मैं आपको दोनों को बिल्कुल डिटेल में बताता हूं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इनडायरेक्ट तरीके की। इनडायरेक्ट तरीका मतलब हम ऐसे म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाएंगे जो कि यूएस के स्टॉक एक्सचेंज में जाके पैसा लगाते हैं अपना। यानी कि ऐसे म्यूचुअल फंड जो इंडिया में ना इन्वेस्ट करके यूएस में इन्वेस्ट करते हैं। मैं उनके नाम आपको बता दूंगा अभी, आप उनके नामों के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं, लेकिन पहले थोड़ा समझ लीजिए कि इसमें भी क्या तरीके पॉसिबल है। तो देखिए दोस्तों, कुछ फंड ऐसे होते हैं जिनको हम बोलते हैं फंड्स ऑफ फंड। यानी कि ये इंडिया के ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जो यूएस के म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं। यानी कि ऐसा नहीं कि कोई एक शेयर में पैसा लगाएं यूएस में जाके या दो शेयर में पैसा लगाएं, ये जाके यूएसए के म्यूचुअल फंड में ही अपना पैसा लगा देते हैं। इनको बोलते हैं फंड्स ऑफ फंड। इन फंड्स में इन्वेस्ट करने का फायदा ये होता है कि जैसे म्यूचुअल फंड यूजुअली थोड़े कम रिस्की होते हैं क्योंकि वो बहुत सारे जगह पैसा लगा रहे होते हैं, तो यूएस के भी जो म्यूचुअल फंड है वो अपनी सारी बड़ी बड़ी कंपनी में पैसा लगा रहे होते हैं, तो इसीलिए ये इतने रिस्की नहीं होते। पर इसका नुकसान क्या होता है, इसका नुकसान ये होता है कि इसमें पैसा लगाना काफी महंगा होता है। महंगा क्यों होता है, क्योंकि देखिए आप जब इंडिया के किसी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो आपसे वो एक्सपेंस रेशियो चार्ज करते हैं, यानी कि 1-2% जो है अपनी फीस लेते हैं। इसी तरीके से जब यूएस के आप मार्केट में जाके उनके म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो 1-2% फीस वो भी लेते हैं। अगर आपने फंड्स ऑफ फंड में पैसा लगाया तो टोटल मिला के 2% + 2% आपको अप्रॉक्सीमेटली 4% तो फीस ही पे करनी पड़ जाती है। यानी कि काफी महंगा पड़ता है इस टाइप की इन्वेस्टमेंट को करना, पर काफी सेफ रहता है। तो अगर आप बिल्कुल सेफ खेलना चाहते हैं और आपको लगता है यार मुझे तो बिल्कुल सेफ खेलना है, 4% फीस लगेगी तो दे दूंगा, प्रॉफिट में से बाहर में जाए, तो आप इस तरीके को अपना सकते हैं। अगर आप नाम देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख रखा है कि कौन से फंड्स ऑफ फंड ऐसे हैं जिसमें आप इंडिया में पैसा लगा सकते हैं जो बाहर जाके यूएस के फंड में म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा देंगे। इनडायरेक्ट के अंदर दूसरा एक्टिव तरीका यह है कि आप ऐसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए जो म्यूचुअल फंड्स जाके यूएस के स्टॉक्स में डायरेक्ट पैसा लगाएं। यानी कि यूएस के स्टॉक्स को पिक करें और उस स्टॉक्स में जाके पैसा लगाएं। यानी कि अब ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं ये जाके दूसरे यूएस के म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं लगा रहे, ये यूएस के स्पेसिफिक स्टॉक्स को पिक कर रहे हैं और उसमें पैसा लगा रहे हैं। इसमें भी दोस्तों दो पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि ये जो फंड्स हैं, जो म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें आप इन्वेस्ट करेंगे, जो यूएस के स्टॉक्स में पैसा लगाएंगे, वो अपने टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट का 65% से ज्यादा पैसा यूएस के स्टॉक्स में लगाते होंगे।
अगर ये 65% से ज्यादा पैसा यूएस के स्टॉक्स में लगाएंगे और 35% से कम पैसा इंडिया के स्टॉक में लगाएंगे तो इन फंड्स को हम बोलते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स। डेट म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, हमें थोड़ा जो टैक्स पे करना पड़ता है बेसिकली वो थोड़ा ज्यादा पे करना पड़ता है, कितना ज्यादा मैं आगे बताऊंगा वीडियो में, लेकिन आपको समझना जरूरी है कि क्या ये डेट म्यूचुअल फंड है या फिर म्यूचुअल फंड है। इक्विटी म्यूचुअल फंड वो फंड्स हैं इंडिया के, वो म्यूचुअल फंड्स हैं जो 65% से ज्यादा पैसा इंडिया में ही लगाएंगे, बाकी बचा हुआ 30-35% पैसा जाके यूएस के स्टॉक मार्केट में लगा देंगे। जो ऐसे फंड्स हैं जो 65% से ज्यादा पैसा इंडिया के स्टॉक मार्केट में लगाते हैं वो इक्विटी फंड्स बोले जाते हैं, और उन फंड्स में आपको कम टैक्स पे करना पड़ता है, यानी कि वो टैक्स का एडवांटेज आपको ज्यादा दे देते हैं। कितना एडवांटेज देते हैं वो हम आगे बताएंगे, और मैं आपको इन सारे के सारे म्यूचुअल फंड्स के एग्जांपल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उनको आप पढ़ सकते हैं। तो आप जब भी किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं जरूर देखिए कि क्या वो किसी और म्यूचुअल फंड में यूएस में इन्वेस्ट कर रहा है, या फिर क्या वो म्यूचुअल फंड डेट म्यूचुअल फंड है यानी कि 65% से ज्यादा पैसा यूएस की मार्केट में लगा रहा है, या फिर वो इक्विटी म्यूचुअल फंड है कि 35% या उससे कम पैसा ही 35% या उससे कम पैसा ही यूएस की मार्केट में लगा रहा है। अगर 35% से कम पैसा लगा रहा होगा तो वो इक्विटी फंड होगा, उसमें आपको टैक्स एडवांटेज ज्यादा मिलेंगे। अगर 65% से ज्यादा पैसा लगा रहा होगा तो वो बेसिकली एक डेट फंड होगा जिसमें आपको टैक्स एडवांटेज थोड़ा कम मिलेगा। दोस्तों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके एक पैसिव तरीका भी है पैसा इन्वेस्ट करने का, जैसे जो इनडायरेक्ट तरीका मैंने आपको बताया था जिसमें बेसिकली म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं यूएस की मार्केट में, उसमें ये तो तीन एक्टिव तरीके हो गए, फंड्स ऑफ फंड, डेट और इक्विटी। जो पैसिव तरीका है बेसिकली दोस्तों वो ये है कि एक ऐसा म्यूचुअल फंड जो यूएस के एक्सचेंज में पैसा लगाए। एक्सचेंज में मतलब जैसे इंडिया में क्या होता है, जो स्टॉक मार्केट है मान लीजिए निफ्टी और सेंसेक्स चलता है, सेंसेक्स के अंदर बहुत सारे स्टॉक्स चलते हैं, अगर मैं चाहूँ तो मैं सेंसेक्स पे भी पैसा लगा सकता हूँ कि सेंसेक्स बढ़ेगा या घटेगा, जिसमें मैंने एक तरीके से सारे ही फंड्स के एवरेज पे पैसा लगा दिया। तो जो ऐसे म्यूचुअल फंड है जो यूएस के एक्सचेंज में जाके पैसा लगाते हैं उनको हम बोलते हैं पैसिव फंड्स। तो ऐसे बहुत सारे फंड्स हैं जो यूएस के एक्सचेंज में पैसा लगाते हैं, मोतीलाल ओसवाल के बहुत सारे फंड्स ऐसे चलते हैं जिनके नाम मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, अगर आप चाहें तो आप पैसिव फंड्स में ही पैसा लगा सकते हैं। इन फंड्स का फायदा ये होता है कि ये पूरे एक्सचेंज में पैसा लगाते हैं इसलिए रिलेटिवली सेफर होते हैं, क्योंकि इन्होंने एक तरीके से सारी कंपनी में पैसा लगा रखा है, किसी एक या दो कंपनी को चुन के पैसा नहीं लगा रखा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप यूएस के एक्सचेंज को ही बाय करें तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप ऐसे म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं इंडिया के जो कि पैसिवली जाके यूएस में इन्वेस्ट करता हो, उनके एक्सचेंज को खरीदता हो। तो दोस्तों देखिए इनडायरेक्ट मनी इन्वेस्ट करने के ये तीन एक्टिव और एक पैसिव तरीका हो गया। अब दोस्तों आप चाहो तो जैसे मैंने शुरू में बताया था आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, यानी कि आप खुद से जाके कोई भी स्टॉक चूज कर सकते हैं यूएस की मार्केट का और वो स्टॉक को बाय कर सकते हैं। ये भी करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप हमारे यहाँ के खुद के किसी भी ब्रोकर को पकड़ लीजिए, ऐसे बहुत सारे ब्रोकर हैं जैसे जीरोदा है, वेस्टेड है, ऐसे बहुत सारे और भी ब्रोकर्स हैं जो अलाउ करते हैं आपको यूएस के मार्केट में पैसा लगाने के लिए। तो आप चाहें तो इनमें से किसी पे भी अपना अकाउंट बना सकते हैं, रिलेटिवली आसान होता है अकाउंट बनाना, सिर्फ पैन कार्ड, आधार कार्ड ऐसी चीज़ें देनी पड़ती हैं, KYC होता है, एक कैंसिल चेक देना पड़ता है, सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है और आपका अकाउंट बन जाता है। यूजुअली ऐसे फीचर्स जिसमें ये आपको यूएस में इन्वेस्ट करने देंगे उसका एक ईयरली फीस भी होता है जो आपसे चार्ज करते हैं, और ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी थोड़ी सी हाई होती है। ज्यादातर होता क्या, ये तरीका है तो आसान, लेकिन अगर आप किसी इंडिया के ब्रोकर को पकड़ते हैं और उससे यूएस में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको थोड़ा महंगा पड़ता है, क्योंकि वो थोड़ा सा टीडियस प्रोसेस हो जाता है। आपके लिए आसान है लेकिन वैसे टीडियस है, इसीलिए थोड़ा महंगा पड़ता है। दूसरा तरीका क्या है, आप ये कर सकते हैं कि यूएस में भी बहुत सारे ब्रोकर हैं, आप डायरेक्टली जाके उन्हीं ब्रोकर्स के साथ अपना अकाउंट बना सकते हैं। ऐसे कौन से ब्रोकर्स हैं उनकी लिस्ट भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए, आप उसमें से किसी भी ब्रोकर को पकड़ सकते हैं। बहुत सारे ब्रोकर्स के बहुत सारे प्लान चलते हैं, मैं आपको ऐसे भी ब्रोकर्स लिस्ट कर दूंगा जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप जहाँ पे जाके प्लान बना सकते हैं। सिर्फ हर एक ट्रेड करने का आपको पैसा देना पड़ेगा जो कि काफी कम है। तो अगर यूजुअली मैं कंपेयर करूँ डायरेक्ट तरीके में, सबसे सस्ता तरीका पड़ता है यही कि आप वहीं के एक्सचेंज को पकड़िए और उनके एक्सचेंज को पकड़ के उन्हीं के स्टॉक में ट्रेड कीजिए। लेकिन थोड़ा दिक्कत ये होती है कि थोड़ा उनके साथ अकाउंट बनाना थोड़ा टीडियस प्रोसेस है, थोड़ा पेपर वर्क ज़्यादा लगता है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, लेकिन वर्थ इट है। अगर आप चाहते हैं एक्टिवली किसी स्टॉक में या किसी दो तीन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है यूएस के, तो मेरी पर्सनल एडवाइस ये होगी कि इंडिया के किसी ब्रोकर से मत कीजिए, महंगा पड़ेगा लॉन्ग टर्म, वहीं के ब्रोकर को पकड़िए और इन्वेस्ट कीजिए। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं टैक्सेस की। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपको टैक्सेस का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि डेट है फंड या फिर इक्विटी है फंड, इनडायरेक्ट में कितना पैसा लगेगा, डायरेक्ट में कितना पैसा लगेगा, ये भी जानना बहुत जरूरी है।
दोस्तों सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इनडायरेक्ट फंड्स की। इनडायरेक्ट में भी सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इक्विटी फंड्स की। इक्विटी फंड्स जैसे कि मैंने बताया वो म्यूचुअल फंड्स हैं जो 65% से ज्यादा पैसा इंडिया में ही लगाएंगे, बाकी बचा हुआ 30-35% पैसा जाके यूएस के स्टॉक मार्केट में लगा देंगे। जो ऐसे फंड्स हैं जो 65% से ज्यादा पैसा इंडिया के स्टॉक मार्केट में ही लगाते हैं वो इक्विटी फंड्स बोले जाते हैं, और उन फंड्स में आपको कम टैक्स पे करना पड़ता है, यानी कि वो टैक्स का एडवांटेज आपको ज्यादा दे देते हैं। अगर आप इन फंड्स में, इन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो जो आपको पैसा पे करना पड़ता है वो तीन तरीके से करना पड़ सकता है। सबसे पहले डिविडेंड वो होता है जो कंपनी आपको साल के एंड में पे करती है। जो डिविडेंड होता है वो प्रॉफिट होता है, बेसिकली वो जो प्रॉफिट होता है उसके ऊपर एक अमाउंट डिसाइडेड है जो कि अराउंड 11.6% के आसपास है, और आपको 11.6% पे करना पड़ता है अगर आप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। दूसरी चीज आपको पे करना पड़ता है जो भी आपका पैसा बढ़ता है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने आज 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट किए, कल को ये 1,00,000 रुपए बढ़ के होगा 1,30,000 रुपए, यानी कि 1,00,000 इन्वेस्टमेंट था, 1,30,000 हो गया, तो पूरे साल में आपने 30,000 रुपीज कमाए। अगर तो आपने एक साल से पहले ये 30,000 रुपीज एनकैश कर लिए, यानी कि अपने शेयर्स को बेच दिया, तो आपको जो टर्म यूज होता है वो होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है वो अप्रोक्सीमेटली 16% है, 15.5% टू बी प्रिसाइज वो है अगर आप इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी फंड्स में। तो अगर आप इसी पैसे को जो 1,30,000 हुआ था, यानी कि जो 30,000 का आपको प्रॉफिट मिल रहा था, इस प्रॉफिट को अगर आप एक साल से ज्यादा होल्ड कर लेते हैं, यानी कि 12 महीने के बाद एनकैश करते हैं, तो जो टैक्स आपको पे करना पड़ेगा उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और उसकी वैल्यू है 10.5%। दूसरी चीज दोस्तों, अगर आप मान लीजिए इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करते, आप इन्वेस्ट करते हैं मान लीजिए डेट फंड के। डेट फंड वो है जो अपना 65% से ज्यादा पैसा यूएस की मार्केट में इन्वेस्ट करता है, यानी कि ऐसे फंड जो अपना मैक्सिमम पैसा यूएस की मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो वो कैसे ऑपरेट करते हैं, उसमें जो डिविडेंड होता है जो कंपनी आपको पे करती है उसमें आपको 29.1% टैक्स पे करना पड़ता है, यानी कि 29% आपको टैक्स पे करना पड़ता है। ये मैं डेट फंड्स की बात कर रहा हूँ, डेट म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहा हूँ, टैक्स ज्यादा है देखिए डिविडेंड पे 29.1%। अगर आप 3 साल, वहां पर जो 1 साल का टाइम पीरियड था शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का, यहाँ पे 3 साल है, अगर आप 3 साल से पहले एन कैश कर लेते हैं तो आप पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की वैल्यू उतनी होती है जितनी आप टैक्स स्लैब में फॉल करते हैं। मान लीजिए अगर आप 30% के टैक्स स्लैब में फॉल करते हैं तो 30% आपको देना पड़ता है। फिर लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तब लगता है जब आप 3 साल के बाद बेचें, यानी कि 36 मंथ्स के बाद बेचें स्टॉक। जो भी प्रॉफिट आप कमाएंगे उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी यहाँ पे ज्यादा है, वो लगता है 20% के इक्विवेलेंट, यानी कि 20% आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ता है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं, अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं यूएस की मार्केट में, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में जाके किसी भी उसके शेयर को खरीद रहे हैं यूएस में, चाहे किसी इंडिया के आपके खुद के ब्रोकर के थ्रू या फिर यूएस के ब्रोकर के थ्रू, तो कितना टैक्स आपको देना पड़ता है। उस केस में भी दोस्तों देखिए, डिविडेंड पे आपको जो टैक्स देना पड़ता है वो इक्वल होता है 25% तो टैक्स देना पड़ता है यूएस में, यानी कि 25% टैक्स जो डिविडेंड पे लगेगा वो यूएस की मार्केट में आपको देना पड़ेगा। उसके बाद जिस भी आप स्लैब में फॉल करते हैं, अगर आप इंडिया में 30% के स्लैब में फॉल करते हैं, तो रिमेनिंग जो 5% रह गया, ये 5% टैक्स आपको देना पड़ता है इंडिया में गवर्नमेंट को, यानी कि टोटल आपका टैक्स उतना ही लग जाता है जिसके आप ब्रैकेट में फॉल करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अप्लाई होता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वही है, अगर आप 3 साल से पहले बेच देते हैं उस शेयर को जो आपने खरीदा है यूएस की मार्केट में, तो जो भी उस पर आप प्रॉफिट कमाते हैं उस पर आपको जो टैक्स देना पड़ता है वो इक्वल होता है आपकी स्लैब के इक्वल, यानी कि अगर आप 30% में फॉल करते हैं तो 30% आपको देना पड़ेगा उस प्रॉफिट के ऊपर टैक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, यूएस को नहीं देना पड़ेगा कुछ भी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी अप्लाई होता है, यानी कि अगर आप 3 साल के बाद बेचते हैं, तो जिस तरीके से डेट म्यूचुअल फंड में अप्लाई होता था 20% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वैसे ही 20% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ भी अप्लाई होता है। आपको प्रॉफिट के ऊपर 20% टैक्स देना पड़ेगा, वो भी इंडिया में ही देना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया, सबसे ज्यादा टैक्स लगता है डेट फंड्स के अंदर, सबसे कम टैक्स लगता है इक्विटी फंड्स के अंदर, क्योंकि ज्यादातर पैसा वो इंडिया की मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो ये सब फैक्टर को कंसिडर करके ही आप डिसाइड कीजिएगा कि आप किस तरीके से यूएस की मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कोई डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, उसको रिस्पॉन्ड में कर दूंगा। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप कमेंट करते हैं तो ज्यादातर लोगों तक मेरा वीडियो पहुंचता है और ज्यादातर लोग इस वीडियो को देख पाएंगे। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए।